हेलो स्टूडेंट, आई एम नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस. तो ये लास्ट जो पार्ट था इस वीडियो की सीरीज़ में, उसमें हमने क्लास इलेवेंथ का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसका कुछ रिवीजन किया था. उसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग का कुछ पार्ट यूज़ किया है और हाइड्रोजन तक हमने कम्प्लीट कर लिया है. अब ये एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट का जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस वीडियो में मैं पूरा करूंगा. तो हम उसी ऑर्डर में चलते हैं. पहले एस ब्लॉक एलिमेंट के जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर पी ब्लॉक में चलेंगे. पी ब्लॉक में ग्रुप 13 और ग्रुप 14 का ही डिस्कशन करेंगे. क्लास इलेवेंथ में ओनली ग्रुप 13 एंड 14 आर इंक्लूडेड. तो ये जो हमारे पास में एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो एक ये टेबल दे रखी है. इस टेबल के अंदर जो मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नज़र आई है वो एक तो ये जैसे डेंसिटी से रिलेटेड है. बाकी की प्रॉपर्टीज एज यूजुअल है. उनको हम जो कॉन्सेप्चुअल डेटाज हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की, उनसे हम रीजनरेट नहीं कर पाएंगे उनको. तो इसलिए हमें जो नॉलेज इसका होना चाहिए. तो इसमें डेंसिटी जो है, जनरली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो पोटेशियम है उसकी डेंसिटी सोडियम से कम है. बाकी केसेस के अंदर ग्रेजुअली डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब मतलब आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू वाई दिस थिंग इज पॉसिबल, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम का जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा. कई सारे रीजन हो सकते हैं, बट यहाँ पे मेरा एम ये है कि यू हैव टू रिमेम्बर कि लाइक जो एल्कली मेटल्स के अंदर पोटेशियम की जो डेंसिटी है वो सोडियम की डेंसिटी से कम है. बाकी ग्रेजुअली डेंसिटी जो है डाउनवर्ड मूव करने से इंक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, बट एटॉमिक मास में जो इंक्रीज है उसका इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है. पोटेशियम में एक जो है चेंज नोटिस किया हमने, तो उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया. फिर दूसरी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रही है वो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्कली मेटल आयन इन एक्वस फेज. तो लीथियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है लीथियम आयन का, वो मैक्सिमम है अमंग ऑल एल्कली मेटल्स. तो ये -3.04 वैल्यू है, और ये तो वेल नोन एक फैक्ट टाइप का कह सकते हैं आप कि लीथियम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. सो दैट लीथियम आयन जो है वो इजीली रिड्यूस नहीं होगा एक्वस फेज में. तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम नेगेटिव होगा अमंग ऑल पॉसिबल, बिकॉज रिडक्शन ऑफ लिथियम आयन टू लिथियम मेटल इज हाईली 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 नॉन स्पॉन्टेनियस फिनोमिना. और जो नॉन स्पॉन्टेनियस फिनोमिनाज होंगे उस हाफ रिएक्शंस का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स होगा वो मैक्सिमम नेगेटिव में वैल्यू होगी. तो ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रेंड नजर आ रहे हैं. बाकी एज यूजुअल जो है डाउनवर्ड जब आप जाएंगे तो ये जो हमारा सोडियम एंड ऑनवर्ड अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली और ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी. लिथियम में मैक्सिमम है और उसके बाद में सोडियम में डिक्रीज होगा, और उसके बाद में फिर और ज़्यादा है वो नेगेटिव में इंक्रीज होता जाएगा. नाउ नेक्स्ट जो एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एल्कली मेटल का, आप ये जानते हो कि ये फ्लेम टेस्ट शो करते हैं. तो यहाँ पे लिथियम के लिए जो फ्लेम कलर है वो क्रिम्सन रेड कलर का होगा, सोडियम के लिए गोल्डन येलो कलर, पोटेशियम के लिए लाइलेक कलर और पर्पल कलर, वॉयलेट कलर, रुबीडियम के लिए रेड वॉयलेट कलर, और सीजियम के लिए ब्लू कलर हो जाएगा. तो यहाँ पे कलर के बेसिस पे आप कह सकते हो कि जो वेवलेंथ है वो किस टाइप की होगी. विजिबल रेडिएशन के अंदर ही आएगा ये, ठीक है. तो विजिबल रेडिएशन की रेंज तो हमें पता ही होती है, बट हम कह सकते हैं कि लिथियम के लिए जो वेवलेंथ एमिट होती है फ्लेम टेस्ट के अंदर वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, और सीजियम के लिए जो है वो मिनिमम वेवलेंथ होगी. सो एल्कली मेटल्स कैन बी डिटेक्टेड बाय द फ्लेम टेस्ट, एंड दिस कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड. दिस टेक्निक ऑफ डिटेक्शन ऑफ एन एटम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन मेटेलिक एटम बाय फ्लेम टेस्ट इज कॉल्ड एज फ्लेम फोटोमेट्री और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री. अब यहाँ पे इसी से रिलेट करने के लिए मैंने एक एल्कलाइन अर्थ मेटल को भी यूज़ किया है. सो यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर टू स्ट्रांगली बॉन्डेड अट्रैक्टेड देयर टू देयर न्यूक्लियस. सो एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल बाय फ्लेम इज नॉट पॉसिबल. सो दीज एलिमेंट्स लिथियम बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम. तो इसका मतलब है बेरिलियम और मैग्नीशियम
एस ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ये फ्लेम टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बाकी के सारे जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे वो फ्लेम टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे. सो और फ्लेम टेस्ट फॉर कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम इज हेल्पफुल इन देयर डिटेक्शन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड एस्टिमेशन बाय फ्लेम फोटोमेट्री. नेक्स्ट जो हाइड्रेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल आयन और एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन की बहुत हाई वैल्यू होती है एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल आयन्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आयोनिक साइज ऑफ एल्कली मेटल आयन. लिथियम का जो लिथियम आयन का जो साइज है वो स्मॉलेस्ट साइज होगा तो इसलिए इसकी जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगी एंड फॉर दिस रीजन मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ लिथियम आर एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म. लाइक लिथियम क्लोराइड जो है वो LiCl.2H2O की फॉर्म में होता है. सिर्फ लिथियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं या थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं सोडियम के सॉल्ट्स जो है हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं लाइक Na2CO3.10H2O. अदर एल्कली मेटल आयन के जो सॉल्ट्स होते हैं वो इतने एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो ये जो है हमारे पास में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो जाएगा एल्कली मेटल आयन के लिए. नाउ ये जो लिथियम को अगर हम देखेंगे तो लिथियम और सोडियम जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करेंगे. सारे अल्कली मेटल एयर के साथ रिएक्ट करते हैं. लिथियम मेनली फॉर्म मोनोऑक्साइड एज ए मेजर प्रोडक्ट एंड सोडियम मेनली फॉर्म परोक्साइड एज ए मेजर प्रोडक्ट. देखिए थोड़ा बहुत जो है इनके साथ ऑक्साइड भी बनेगा. लिथियम के अंदर सिग्निफिकेंट मैक्सिमम मेजर अमाउंट में जो है वो मोनोऑक्साइड भी बनेगा. परोक्साइड और सुपरऑक्साइड नहीं के बराबर नेग्लिजिबल अमाउंट में ऑब्टेंड होता है. तो यहाँ पे आप कह सकते हो ओनली मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. सोडियम के केस में जो है सिंपल ऑक्साइड भी बनता है और परोक्साइड भी बनता है, लेकिन परोक्साइड जो है मेजर होता है और सिंपल ऑक्साइड जो है वो माइनर होता है. बहुत कम अमाउंट में नहीं बनता है, वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता है, इसलिए दोनों ही प्रोडक्ट है. बट मेजर प्रोडक्ट अगर हम कहेंगे तो वो परोक्साइड है. अदर मेटल्स के अंदर जो मेजर प्रोडक्ट्स है वो सुपर ऑक्साइड ऑब्टेंड होता है. नाउ सुपर ऑक्साइड यू नो कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर एनायन है O2- है और ये स्टेबल होते हैं तभी जब इनके पास में कोई एक बिगर साइज का कैटायन प्रेजेंट रहता है पोटेशियम रूबीडियम सीजियम एटसेट्रा. लिथियम जो है उसका एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है. ठीक है, लिथियम इज द ओनली एल्कली मेटल दैट कैन रिएक्ट विद द नाइट्रोजन. अदर जो एल्कली मेटल्स है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. इस प्रॉपर्टी में हम ये भी कह सकते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम का जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप होता है. मैग्नीशियम या सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं. बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए वो इतना इजीली रिएक्ट नहीं कर पाता है. अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बना लेते हैं. इसी डायगोनल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि लिथियम में भी नाइट्राइड बनाने की हाई टेंडेंसी है. सो लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विथ नाइट्रोजन ऑफ एयर टू फॉर्म नाइट्राइड्स एज वेल. बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर एंड वाटर ऑल एल्कली मेटल्स आर कैप्ट इन केरोसिन ऑयल टू protect them from moisture and air. तो ये alkali metal को directly आप air में नहीं रख सकते हो. तो ये हमने उस table के अंदर देखा था कि जो हमारे पास में lithium ion है उसका जो standard reduction potential है उसकी most negative value है. So its reaction with water, but its reaction with water is less vigorous than that of sodium, reaction of sodium with water which has a least negative स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अमंग एल्कली मेटल्स. तो यहाँ पे ये जो बिहेवियर है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि बिहेवियर ऑफ लिथियम इज एट्रिब्यूटेड टू इट्स स्मॉल साइज एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी. तो स्मॉल साइज होने की वजह से ये इजीली सब्लाइम नहीं हो पाएगा या हम कह सकते हैं इजीली एटोमाइज नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसकी रिएक्शन जो है वो स्लोली प्रोसीड करेगी. सोडियम का साइज जो है वो बिगर होने की वजह से वो इजीली एटोमाइज हो जाएगा, वो विग्रसली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. तो अदर एल्कली मेटल्स ऑफ द ग्रुप रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विद वाटर. लिथियम रिएक्ट्स स्लोली और सोडियम विग्रसली रिएक्ट करेगा एंड अदर जो है वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करने लगते हैं. फिर एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर है सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया. तो वेल नोन प्रॉपर्टीज है. सो ऑल एल्कली मेटल व्हेन डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया फॉर्म डीप ब्लू कलर्ड सोल्यूशंस. और ये जो डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशंस हैं वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो दीज डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशंस आर कंडक्टिंग इन नेचर. सॉल्यूशन है, इसमें कोई आयंस हमें नहीं दिखाई दे रहा है, आयंस प्रोड्यूस होता है. तो ये कंडक्टिंग सॉल्यूशंस है. तो यहाँ पे जो मेन कंडक्शन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड एल्कली मेटल आयन एंड सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स. सो द ब्लू कलरेशन ऑफ द सॉल्यूशंस इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन द विजिबल रीजन ऑफ लाइट एंड दस इम्पार्ट्स ब्लू कलर टू द सॉल्यूशन.
Now, these solutions are paramagnetic in nature due to the presence of solvated unpaired electrons. And these solutions standing slowly liberate hydrogen, resulting in the formation of amide. तो ये जो सोल्यूशन है सोडियम का लिक्विड अमोनिया में या किसी भी अल्कली मेटल का लिक्विड अमोनिया में ये अनस्टेबल सोल्यूशंस होते हैं. अल्टीमेटली ये जो सोल्यूशंस डिकम्पोज होकर के सोडियम अमाइड दैट इज NaNH2 प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगा. एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन सोल्यूशन के लिए और वो ये कि इन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन द ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर एंड बिकम डायमैग्नेटिक. डायल्यूट सॉल्यूशंस जो होगा वो ब्लू कलर का होगा और पैरामैग्नेटिक होगा, बट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस जो है वो डायमैग्नेटिक बन जाएगा और ब्रॉन्ज कलर का होगा. नाउ एक और इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस जो है एल्कली मेटल के यूजेस पर बेस्ड आ जाते हैं. दिस इज लाइक द लिथियम मेटल इज यूज टू मेक यूजफुल अलॉयज, फॉर एग्जाम्पल विथ लेड टू मेक वाइट मेटल. वाइट मेटल एक अलॉय है लिथियम और लेड का, और ये जो अलॉय है दैट इज यूज फॉर द formation of bearings that is used for motor engines, and lithium when combined with aluminium form an alloy that is used to make aircraft parts, and with magnesium it is also form an alloy which is used to make armor plates. Lithium is used in thermonuclear reactions. Lithium is also used to make electrochemical cells. Sodium is used to make sodium lead alloy needed to make tetraethyl lead and tetramethyl lead. Anti-knocking agents hote hain tetramethyl lead and tetraethyl lead. These organolead compounds were earlier used as anti-knocking additive to petrol, but nowadays these vehicles use lead-free petrol. So unleaded petrol mostly hum use karte hain. Anti-knocking agent hum add karte the to decrease the noise in combustion chamber of engine. मेटेलिक नॉइज कम करने के लिए हम एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करते थे. एंटी नॉकिंग एजेंट बेसिकली जो है एक रेडिकल जनरेटर होता है. ये रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं और जो अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है उसको ब्रांच हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है. ब्रांचिंग से फ्यूल की जो क्वालिटी है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाती है. नॉकिंग फ्यूल के अंदर जो है वो कम हो जाता है. सो लिथियम सोडियम मेटल इज यूज इन कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स. पोटेशियम हैज अ वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स. पोटेशियम क्लोराइड इज यूज इन ऑल्सो यूज एज अ फर्टिलाइजर्स. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप. इट इज ऑल्सो यूज एज एन एक्सलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हम जो गैस यूडियोमेट्री में कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड या क्लोरीन गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए पोटेशियम यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यूज करते हैं अल्कली पोटास. और सीजियम इज यूज्ड इन डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं अल्कली मेटल्स के. अब ये जो हमने अल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स जो देखे थे तो उसके अंदर आप उनकी वाटर के साथ जो रिएक्शन है उसके अंदर एक ट्रेंड नोटिस करेंगे. जो ऑक्साइड्स हैं उनको वाटर के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स बन जाएंगे. परऑक्साइड्स को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड्स भी बनेगा. तो इसका मतलब है परऑक्साइड्स जो है वो ब्लीच की तरह काम कर सकते हैं. और सुपर ऑक्साइड्स को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी. तो सुपर ऑक्साइड्स आपको पता है कि जो एयर है उसको प्यूरीफाई करने के लिए यूज करते हैं. सो अगेन द ऑक्साइड्स एंड परऑक्साइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, बट सुपर ऑक्साइड्स आर येलो और ऑरेंज कलर्ड सब्सटेंसेस. अब इनके अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट इनके कंपाउंड जो है वो कलर्ड होंगे. सुपर ऑक्साइड्स आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. सोडियम परऑक्साइड इज वाइडली यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाउ ये जो हमारे पास में एल्कली मेटल हैलाइड्स है उनको अगर हम देखते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑलवेज फॉलोज द ट्रेंड. फ्लोराइड्स के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, आयोडाइड्स के मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे क्योंकि फ्लोराइड्स के अंदर लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. ऑल दीज हैलाइड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर बिकॉज हाईली आयोनिक इन नेचर, बट जो लिथियम का जो फ्लोराइड है वो वाटर में बहुत कम सॉल्यूबल होगा क्योंकि उसकी जो लैटिस एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा है. जब आयन स्मॉल साइज के होते हैं तो बहुत स्ट्रांग लैटिस फॉर्म होता है, लैटिस एनर्जी उसकी जो है वो हायर होती है. Whereas the low solubility of cesium iodide, तो cesium iodide के अंदर low solubility का जो reason है वो small value of hydration enthalpy. इतना मतलब exothermic dissolution नहीं होता है इसका, तो ये completely पूरा bulk जो है वो separate out नहीं हो सकता है.
So due to the smaller hydration enthalpy of its two ions, caesium ion as well as iodide ion, both are of bigger in size. Other halides of lithium are soluble in ethanol because the compounds of lithium are significantly covalent in nature. Lithium chloride is also soluble in pyridine. So lithium ke compounds ki solubility comparatively kam hogi. Now lithium carbonate jo hai, because of very small size of lithium ion, uski polarization power bahut zyada hogi, to bigger size ka highly polarizable carbonate ion jo hai wo stabilize nahi ho payega lithium ion se. To lithium carbonate ko slightly heat karne se hi ye decompose ho jayega. Lithium carbonate is not so stable to heat. Other alkali metal carbonates are stable, sodium carbonate, potassium carbonate, etc. So large carbonate ion leading to the formation of more stable lithium oxide and carbon dioxide. It's hydrogen carbonate, lithium hydrogen carbonate, that is lithium bicarbonate, does not exist in solid state at all. Ye solution state ke andar exist kar sakta hai. Now, ab ye jo hamare paas mein points of difference between lithium and other alkali metals jo hai, iske andar agar aap mainly dekhenge to lithium is much harder. Other alkali metals jo hai comparatively soft hote hain. Lithium ka jo melting point and boiling point jo hai wo higher than the other alkali metals hai. Lithium is least reactive but strongest reducing agent among all the other alkali metal. Less reactive hoga, kinetically slowly react karega, but thermodynamically agar hum dekhenge to ye ek strong reducing agent ki tarah jo hai work karega. On combustion in air it forms mainly monoxide and nitride, kyunki air ke andar nitrogen aur oxygen dono hi honge. Oxygen ke saath react karke ye monoxides banayega aur nitrogen ke saath react karke ye nitrides banayega. But jo other alkali metals hain, nitride to bilkul nahi banayenge, aur different alkali metals oxygen ke saath react karke different major products form karenge. Sodium peroxide banayega, potassium, rubidium and cesium jo hai wo superoxides banayenge. Lithium chloride jo hai wo deliquescent hota hai and crystallizes as a hydrate, whereas other alkali metals chloride jo hai wo hydrates ki form mein crystallize nahi hote hain, anhydrous form mein hi crystallize ho jate hain. To yahan pe lithium deliquescent hai, iske piche reason yahi hai ki high hydration enthalpy of lithium ion jo hai isko crystallize karte samay kuch water molecules ko bhi saath mein ye separate kar leta hai. Lithium bicarbonate is not obtained in the solid form, it exists only in the solution form. Other alkali metal bicarbonate can exist in solid form. Lithium, unlike other alkali metals, form no ethionide on reaction with ethine. Lithium ko aur ethine ko agar hum react karayenge to koi reaction hi nahi hogi, ethionide nahi banega. Kisi other alkali metal ko ethine ke saath agar hum react karayenge to slightly jo acidic nature hoti hai ethine ki, wo other alkali metal ke saath react karne se hydrogen gas ki form mein release ho jayega uska acidic hydrogen atom, aur sodium ethionide ban jayega ya potassium ethionide ban jayega. Lekin lithium ethine ke saath jab react karega to lithium ethionide ka formation nahi hoga. To ye ek important properties hai, isko hum organic chemistry ke andar bhi use kiya ja sakta hai. Aap jo terminal alkyne hai wo acidic hai ye jante hai, to acidic compound alkali metal ke saath jab react karta hai to hydrogen gas release hoti hai, but terminal alkyne acidic hai lekin lithium ke saath reaction nahi hogi aur hydrogen gas jo hai produce nahi hoga. लिथियम नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो इस पे हीटिंग का इफेक्ट बिल्कुल उसी टाइप से होगा जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट पे हीटिंग का इफेक्ट होता है, ठीक है. लेकिन अदर एल्कली मेटल नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो उन पे हीटिंग का इफेक्ट डिफरेंट होगा. तो ये एक डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. तो यहाँ पे जैसे देखो बताया गया है कि लिथियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे, लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग फॉर्म लिथियम ऑक्साइड NO2 एंड O2, विच बोथ NO2 एज वेल एज O2 आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर. सोडियम नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो सोडियम नाइट्राइड एंड ऑक्सीजन गैस जो है प्रोड्यूस होगा. लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम ऑक्साइड्स आर कंपैरेटिवली मच लेस सॉल्युबल इन वाटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम ऑक्साइड्स टाइप के जो कंपाउंड्स हैं. तो ये हमारे पास में कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हो गए लिथियम के लिए एंड अदर एल्कली मेटल्स. तो इसमें एक तो ये जो है एल्काइन इथाइन के साथ जो रिएक्शन है लिथियम की, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगा. लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट लगा. लिथियम नाइट्रेट पे जो हीटिंग का बिहेवियर है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो एयर के साथ लिथियम की रिएक्शन है उसमें नाइट्राइड भी बनता है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. नेक्स्ट यहाँ पे हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो सॉल्वेज प्रोसेस से हम करते हैं.
और इस सॉल्वेंस प्रोसेस को हम पोटेशियम कार्बोनेट के प्रोडक्शन के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकते. सेम टाइप का जो प्रोसीजर है वो पोटेशियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन के लिए यूज़ नहीं होता है. इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो सॉल्वेंस प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाता है, लेस सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर. इसको आइसोलेट करके हीट करने से सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है वो हाईली सॉल्युबल है, वो क्रिस्टलाइज नहीं हो पाएगा. ठीक है, उसको हम सॉलिड फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर पाएंगे और हीटिंग का इफेक्ट तो उसके पार हो ही नहीं पाएगा जब वो सॉलिडिफाई ही नहीं हो रहा है. तो बिकॉज ऑफ हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सो पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई सॉल्वेंस प्रोसेस. सो सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाई सॉल्वेंस प्रोसेस, बट दैट सॉल्वेंस प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू मैन्युफैक्चर पोटेशियम कार्बोनेट, बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हाईली सॉल्युबल एंड नॉट ईजी टू प्रेसिपिटेट बाई द एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो हमारे पास में जो बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है एल्कली मेटल्स का, उस पर बेस्ड कुछ इन्फॉर्मेशंस है. तो सबसे पहले तो देखिए, इट इज़ वेरी कंसिडरेबल वेरिएशन इन देर इज़ अ वेरी कंसिडरेबल वेरिएशन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस फाउंड इन द अपोजिट साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स. सोडियम आयन और पोटेशियम आयन आर टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेल फ्लूइड, और सेल मेम्ब्रेन जो सेल इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल इनकी कॉन्सेंट्रेशन वेरी करती है. तो हमें पता होना चाहिए कि किसकी कॉन्सेंट्रेशन किस साइड में ज़्यादा होती है. देखिए ये सब चीज़ें मतलब नॉलेज है. ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करके ढूंढ सकते हैं कौन कितना है, बट एग्जाम में कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे. एग्जामिनर जो है आपका नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो उनको. ठीक है, यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. सो एज अ टिपिकल एग्जाम्पल, इन ब्लड प्लाज्मा सोडियम इज प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 143 मिलीमोल्स पर लीटर. तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट के अंदर सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, 143 मिलीमोल्स पर लीटर, वेयर एज द पोटेशियम लेवल इज ओनली 5 मिलीमोल्स पर लेवल विद इन द ब्लड सेल्स. सो इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड के अंदर जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन है वो 143 मिलीमोल्स पर लीटर है और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 5 मिलीमोल्स पर लीटर है. नाउ दीज कॉन्सेंट्रेशंस चेंजेस टू 10 मिलीमोल्स पर लीटर एंड 105 मिलीमोल्स पर लीटर. तो ये सोडियम और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता रहता है, और ये जो चेंज है वो एक आयोनिक ग्रेडियंट प्रोड्यूस करता है, और इस आयोनिक ग्रेडियंट की वजह से सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का जो है वो मूवमेंट होता है. एंड दिस इज कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम पंप, एंड दिस सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विच कंज्यूम्स मोर देन 1/3 ऑफ द ATP यूज्ड बाय द रेस्टिंग एनिमल एंड अबाउट 15 किलोग्राम पर 24 आवर इन ए रेस्टिंग ह्यूमन. तो ये कोई मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ऐसे एग्जामिनर जो है डाल सकता है. जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन के चैप्टर्स में हाइड्रोजन के यूजेस पर बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन हैं उनको एज ए स्टेटमेंट यूज किया गया. तो इसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा. तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के अंदर यही जो हमारा पार्ट था, तो इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखते हैं, तो टिपिकल 70 किलोग्राम मैन कंटेन अबाउट 90 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 170 ग्राम ऑफ पोटेशियम कंपेयर्ड विथ ओनली 5 ग्राम ऑफ आयरन एंड 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर. तो यहाँ पे कॉपर का अमाउंट, आयरन का अमाउंट और सोडियम और पोटेशियम का अमाउंट दिया हुआ है. तो पोटेशियम जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है. सोडियम आयन्स आर फाउंड प्राइमरली ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल being located in blood plasma. तो sodium की जो high concentration होती है वो extra cellular part के अंदर होती है, blood plasma के अंदर होती है, and in the interstitial fluid which surrounds the cells, that is the extra cellular fluids. Now these ions participate in the transmission of nerve signals. Sodium ion is responsible for the transmission of nerve signals in regulating the flow of water across cell membranes and in the transport of sugar and amino acids into cells. Sodium and potassium, although so similar chemically, but differ quantitatively in their ability to penetrate cell membrane, in their transport mechanism and in their efficiency to activate enzymes. तो ये केमिकली तो सेम ही है, वो यही कहना चाहता है, लेकिन इनकी जो एबिलिटी है किसी एंजाइम को एक्टिवेट करने की या फिर सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने की या फिर इनकी जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होती है वेरियस सब जो
टारगेट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए टारगेट मॉलिक्यूल्स को, वो डिफरेंट होती है. सो पोटेशियम आयंस आर द मोस्ट एबंडेंट कैटायन विद इन द सेल फ्लूइड्स वेयर एज दे एक्ट वेयर दे एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स. सो पोटेशियम आयंस आर द मोस्ट एबंडेंट कैटायन विद इन सेल फ्लूइड एंड सोडियम आयन इज द मोस्ट एबंडेंट कैटायन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, पोटेशियम आयंस आर द मोस्ट एबंडेंट कैटायंस विद इन सेल फ्लूइड्स where they activate many enzymes and also participate in the oxidation of glucose to produce ATP. So glucose ka oxidation jab hoga to ATP ka production hoga aur is process ke andar jo enzyme hai wo potassium ion enzyme ki tarah kaam karta hai. With sodium ion are responsible for the transmission of nerve signals. So the sodium ions hai hamare paas mein वो नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन में जो है हेल्प करता है. तो ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया हमारे पास में जो एल्कली मेटल है उनका. अब ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अगर हम देखते हैं तो अगेन ये टेबल आ गई हमारे पास में. एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर जो एक नोटिस करने वाला पॉइंट है वो आयोनिक रेडियस के बारे में. तो बेरीलियम का आयोनिक रेडियस देखिए बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज हो गया बेरीलियम का. तो इसलिए मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो होंगे वो बेरीलियम के हाईली कोवेलेंट होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि बेरीलियम मोस्ट फॉर्म एसेंशियली कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स. हाई पोलराइजेशन पावर होगी अगर आयनिक कंपाउंड्स बन भी जाएगा तो हाई पोलराइजेशन पावर की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है आयनिक करेक्टर उसका कम हो जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर जो है बढ़ जाएगा. दूसरा यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स है बेरीलियम आयन का अगर हम देखेंगे तो वो सबसे कम नेगेटिव होगा इसके अंदर, बाकी सबका जो है वो इससे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, बेरीलियम एज ए कैटायन जो है इतना इजीली एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएगा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास में ऑब्जर्वेशन हो गई. नेक्स्ट यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस आर लार्जर देन दोज ऑफ द एल्कली मेटल, क्योंकि इनका जो ये चार्ज टू साइज रेशियो जो है वो बढ़ गया है. तो इसलिए इनकी वाटर को आयन डाइपोल अट्रैक्शन के थ्रू अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो भी इंक्रीज हो गई है. सो कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड देन दोज ऑफ द एल्कली मेटल, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड को तो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं, गैसेस को ड्राई करने के लिए यूज करते हैं, इसका मतलब इसकी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की हाई टेंडेंसी होती है. तो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं MgCl2.6H2O, और इनको जब आप हीट करोगे तो ये इजीली एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं हो पाते, जबकि NaCl और KCl जो है वो एनहाइड्रस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, डू नॉट फॉर्म सच हाइड्रेट्स. सो बेरीलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड ऑन द सर्फेस. सो बेरीलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सर्फेस. However, powdered form of beryllium and powdered form of magnesium reacts brilliantly with air to form both oxide as well as nitride. Magnesium may be oxide ban jayega aur nitride ban jayega. Now, in alkaline earth metals ko jab hum halogen ke saath react karayenge to inke halides form ho jayenge. Aur yahan pe halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine koi sa bhi ho sakta hai. Sab ke saath easily reaction hogi. But ye jo humare paas mein ek ammonium tetrafluoro बेरीलियम का जो कंपाउंड है फ्लोराइड है, बेरीलियम फ्लोराइड, अमोनियम बेरीलियम फ्लोराइड जो है इसको यूज करके हम बेरीलियम फ्लोराइड बनाते हैं. डायरेक्ट रिएक्शन जो है बेरीलियम और फ्लोरीन की इतना इजीली हो नहीं पाती है, तो इसलिए हम बेरीलियम फ्लोराइड ले लेंगे, अमोनियम बेरीलियम फ्लोराइड ले लेंगे, इसको थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो बेरीलियम फ्लोराइड प्रोड्यूस हो जाएगा. एंड बेरीलियम क्लोराइड इज कन्वीनियंटली मेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स. डायरेक्ट रिएक्शन से बेरीलियम फ्लोराइड और बेरीलियम क्लोराइड प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स हम यूज करते हैं. तो वो ये इनडायरेक्ट मेथड्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. ये अमोनियम बेरीलियम फ्लोराइड को हीट करेंगे तो बेरीलियम फ्लोराइड प्रोड्यूस हो जाएगा, और बेरीलियम ऑक्साइड को कार्बन की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो ये बेरीलियम क्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. नाउ ये यूजेस अगर हम देखते हैं तो बेरीलियम इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अलॉयज. कॉपर बेरीलियम अलॉय आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स. मेटेलिक बेरीलियम इज यूज फॉर मेकिंग विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब्स. ये जो जनवरी 2019 में NTA JEE Main का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है,
कि बेरिलियम मतलब एक्सरे ट्यूब की जो विंडो है वो किस मेटल की फॉर्म होगी. सो बेरिलियम इज़ यूज फॉर मेकिंग विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब्स, क्योंकि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एक्सरे से भी ये आयोनाइज नहीं हो पाता है. मैग्नीशियम फॉर्म्स अलॉय विथ एल्यूमिनियम, जिंक, मैंगनीज एंड टिन. मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉयज बींग लाइट इन मास आर यूज इन एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन. मैग्नीशियम पाउडर इज यूज इन फ्लैश पाउडर्स एंड बल्ब्स और इंसेंडियरी बॉम्ब्स and signals. A suspension of magnesium hydroxide in water called as milk of magnesia is used as antacid in medicines. Magnesium carbonate is an important ingredient of toothpaste. Calcium is used in the extraction of metals from oxides which are difficult to reduce with carbon. So, kuch oxides aise hain jinko hum carbon se reduce nahi kar pate hain easily. We need very very high temperature. So, in oxides ko reduce karne ke liye hum calcium use karte hain. Calcium and barium metals, because of their reactivity with oxygen and nitrogen at elevated temperature, are often used to remove air from vacuum tubes. So, vacuum tube ke andar jo air hai, usko remove karne ke liye hum calcium aur barium metals use karte hain. Radium salts are used in radiotherapy because of their radioactive nature. That is, radium salts are used in the treatment of cancer. तो ये जो बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड्स हैं, बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है, तो उस प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करने के लिए ये एल्कली के साथ रिएक्ट कर रहा है और एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है. बेरिलियम का जो क्लोराइड है उसका अलग अलग स्ट्रक्चर्स होता है, डिपेंड करेगा टेम्परेचर क्या है. सो एट वेरी हाई टेम्परेचर ये एक मोनोमेरिक क्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एट कंपेरेटिवली लोअर टेम्परेचर पर हम ये कह सकते हैं कि अबव देन रूम टेम्परेचर, तो ये जो है हमारे पास में एक डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और रूम टेम्परेचर पर जो है ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ब्रिज्ड क्लोरो कंपाउंड. सो बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवेलेंट फर्स्ट थिंग एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. बींग ए कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेरिलियम क्लोराइड हैज ए चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट के अंदर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हम देखेंगे तो 4 हो जाएगा. इन द वेपर फेज बेरिलियम क्लोराइड टेंड्स टू फॉर्म क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड का होता है, विच डिसोसिएट्स इनटू द लीनियर मोनोमर एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 1200 केल्विन. नाउ ये अगेन जो टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट डिक्रीजेस ग्रेजुअली ऑन मूविंग डाउनवर्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन. The dehydration of hydrated chlorides, bromides and iodide of calcium, strontium and barium can be easily achieved on heating, but such type of dehydration of hydrated magnesium chloride is not possible. So the corresponding hydrated halides of beryllium and magnesium on heating suffer hydrolysis and mainly produce oxides, beryllium oxides and magnesium oxides. Means hydrated magnesium chloride on heating produce magnesium oxide, hydrolysis ho jata hai. तो ये जो कार्बोनेट्स है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे एंड कैन बी इजीली प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू द सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ दीज मेटल सॉल्ट्स. नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इन वाटर डिक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल आयन इंक्रीजेस. तो डाउनवर्ड मूव करने से एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी. इसका मतलब जो बेरिलियम का कार्बोनेट है वो हाईली सॉल्युबल होगा. सो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इन वाटर डिक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल आयन इंक्रीजेस. ऑल द कार्बोनेट्स डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सिंपल ऑक्साइड. बट बेरिलियम का जो कार्बोनेट है वो थर्मली अनस्टेबल है ना, एंड कैन बी केप्ट ओनली इन द एटमोसफियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इट कैन नॉट केप्ट इन ओपन एयर. ओपन एयर में बेरिलियम कार्बोनेट को अगर हम रखेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा बिकॉज ऑफ लेस थर्मल स्टेबिलिटी. सो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग कैटायनिक साइज ऑन मूविंग डाउनवर्ड इन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सल्फेट्स को अगर हम देखेंगे तो सल्फेट्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑल वाइट सॉलिड्स एंड स्टेबल टू हीट. बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर. तो इसका मतलब है अदर जो सल्फेट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डाउनवर्ड जाने से डिक्रीज होती जाएगी. सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम कैल्शियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट. बेरिलियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स आर हाईली सॉल्युबल. ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आयंस ओवरकम द लेटेस्ट एंथैल्पी फैक्टर इन केस ऑफ बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट एंड देयर सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. नाइट्रेट्स को अगर हम देखेंगे तो ये अभी हमने लिथियम नाइट्रेट के केस में देखा ही था कि नाइट्रेट्स आर मेड बाय डिसॉल्यूशन ऑफ द कार्बोनेट्स इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड.
magnesium nitrate crystallizes with 6 molecules of water, whereas barium nitrate crystallizes as the anhydrous salt. Again, shows decreasing tendency to form hydrates with increasing size and decreasing hydration enthalpy. All of them can decompose on heating to give corresponding metal oxide and nitrogen dioxide and oxygen gas like lithium nitrate. Now, ab ye cement jo hai alkaline earth metal ke andar ya S block ke andar ek important part aa gaya. Cement basically kya hota hai, when mixed with setting of cement hum dekh lete hain pehle. So when mixed with water, the setting of cement takes place to give a hard mass. This is due to the setting of cement jo hai wo basically kis wajah se ho raha hai. So setting of cement involved hydration of the molecules of the constituents and their rearrangement. So cement ke andar jo constituent particles hai unka hydration ho jata hai aur kuch rearrangement uske andar aa jata hai, and that is the phenomena involved in the setting of cement. Now purpose of ab cement ke andar hum jo hai gypsum add karte hain, large quantity of gypsum added to the cement. So why there is a need to add gypsum to the cement? So purpose of adding gypsum is only to slow down the process of setting of the cement so that it gets sufficiently hardened. Instantly agar ye hard hone lagega to crack wagera aa sakte hain, to isliye thoda sa gypsum add karke hum isko setting process jo hai cement ka usko thoda slow down kar dete hain. सीमेंट को अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, सीमेंट इज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल. इट इज आल्सो कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट. व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोर्टलैंड सीमेंट? बिकॉज इट रिजेंबल्स विद द नेचुरल लाइमस्टोन दैट इज फाउंड इन आइजल ऑफ पोर्टलैंड इन इंग्लैंड. नाउ व्हेन क्ले एंड लाइम, क्ले बेसिकली एक एल्यूमिनियम सिलिकेट है, उसको लाइम के साथ मिक्स करके स्ट्रांगली जब हम हीट करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो सीमेंट क्लिंकर का फॉर्मेशन होगा. ये जो दीज क्लिंकर्स व्हेन मिक्स्ड विथ 2-3% बाय वेट ऑफ जिप्सम CaSO4.2H2O फॉर्म सीमेंट. नाउ दस इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन पोर्टलैंड सीमेंट्स आर डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, एंड 51% जो है वो डाई कैल्शियम, सॉरी 26% जो है वो डाई कैल्शियम सिलिकेट होगा, और 51% जो है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होगा, और 11% जो है वो बेसिकली ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आ जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट्स है सीमेंट के, इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट के. इसमें सबको अगर आप देखेंगे तो स्ट्रांगली हाइड्रेट हो सकते हैं, इसमें हम जिप्सम ऐड करते हैं जस्ट टू स्लो डाउन द सेटिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट. तो ये हमारा जो है मेन पार्ट जो एल्कली मेटल्स हैं उसका हो गया. अब इसमें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम अगर हम देखते हैं तो ये है, एन एडल्ट बॉडी कंटेन्स अबाउट 25 ग्राम ऑफ द मैग्नीशियम एंड 1200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंपेयर्ड विथ ओनली 5 ग्राम ऑफ आयरन एंड 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर. तो देखिए पहले भी ये हमारे पास में आयरन और कॉपर के साथ सोडियम और पोटेशियम का कंपेरिजन हुआ है, और यहाँ पे एक मैग्नीशियम और कैल्शियम का कंपेरिजन आयरन और कॉपर के साथ हो रहा है. तो ये एक नोटिस करने वाला पॉइंट है कि यहाँ पे कैल्शियम का अमाउंट सबसे ज्यादा और वहाँ पे जो है हमारा सोडियम का अमाउंट जो है ज्यादा था पोटेशियम का. तो ये एक आप ऑर्डर बना के रखिए, हो सकता है कोई क्वेश्चन आ सकता है. नाउ ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर मैग्नीशियम एज द कोफैक्टर. तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. मैग्नीशियम इज अ मेन पिगमेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स क्लोरोफिल. तो ये जो हमारा मैग्नीशियम जो है एक ग्रीन पिगमेंट का कंपोनेंट है, एंड दैट ग्रीन पिगमेंट इज क्लोरोफिल, एंड मैग्नीशियम एक्ट एज अ कोफैक्टर, एंड इन दैट कोफैक्टर यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर प्रोसेस. तो ये जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल का हमारे पास में बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो गया. तो इस टाइप से हमने ये जो हमारा S ब्लॉक है इसका हमने एक कंप्लीट रिवीजन कर लिया. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.